समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के परिवार का 3 दशकों से भी ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में प्रभावशाली रुतबा रहा है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में उन्हें एक के बाद एक नया झटका मिल रहा है। अब हेट स्पीच मामले में सजा पाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी में भी इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आजम फिर से रामपुर में अपनी पकड़ बना पाएंगे या नहीं। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2020 में विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फिर आजम और उनके बेटे और पत्नी सहित उनका परिवार कथित भूमि हथियाने धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों के कई मामलों में जेल में रहा। इसी साल मई में ही वो जमानत पर जेल से छूटे और अब हेट स्पीच मामले में उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर उन्हें कोर्ट ने दोषी पाया था। हालांकि उन्हें सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही जमानत भी मिल गई। हेट स्पीच मामले में दोषी पाए जाने के बाद आजम की यूपी विधानसभा की सदस्यता चली गई और उनकी रामपुर विधानसभा सीट भी खाली घोषित हो गई। आजम के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई के चलते उनका प्रभाव काफी समय से कम होता जा रहा है। ऐसे में वो फिर से रामपुर सीट को जीत पाएंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। सपा के कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस साल की शुरुआत में रामपुर लोकसभा उपचुनाव में उनके भरोसेमंद सहयोगी आसिम राजा खान की हार से ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि रामपुर पर आजम की पकड़ पहले जैसी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।